चुनाव में एक के बाद एक मिली करारी हार के बाद कांग्रेसियों की खुजली बढ़ती जा रही है। आजकल राहुल गांधी को बार बार खुजली हो रही है, और जब राहुल गांधी को खुजली होती है तो वो कांग्रेस के लिए गले की फांस बन जाता है। राहुल गांधी की खुजली का आलम ये है कि अब वो देश को बांटने और आपस में लड़ाने वाला बयान दे रहे हैं। जब वो दक्षिण भारत में होते हैं तो उत्तर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, और जब पूर्वी भारत में होते हैं तो पश्चिम भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। आज आपको राहुल गांधी की दो ऐसी ही खतरनाक खुजली के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे मिटाने के लिए राहुल गांधी ने देश में फूट डालने की कोशिश की। राहुल गांधी केरल के तिरुवनंतपुरम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें खुजली हुई और अपने बयान में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के बीच तुलना करने लगे। क्योंकि रैली दक्षिण भारत में थी तो वहां के लोगों की राहुल बाबा तारीफ कर रहे थे, और उत्तर भारत में मिली करारी हार का गम अभी तक नहीं भुला सके राहुल बाबा वहां के लोगों का अपमान करने लगे। आप खुद सुनिए। See, I, for the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly, I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने पहली बार विभाजन और फूट डालने वाला बयान दिया हो। इससे पहले जब राहुल गांधी असम के शिवसागर में रैली को संबोधित करने पहुंचे तो वहां भी अपनी खुजली मिटाने के लिए नफरत के बीज बोने की कोशिश की। यहां राहुल गांधी पूर्वोत्तर के लोगों को खुश करने के लिए पश्चिम भारतीयों को गाली देने लगे। राहुल बाबा ने जो कहा उसे आप खुद सुनिए। 167 रुपीस टी वर्कर को मिलता है ना भैया, इससे क्या खरीदा जाता है, क्या मिलता है इससे? तो टी वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारियों को टी गार्डन। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को टी गार्डन। चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। अब आप पूछोगे अरे भैया अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा? मैं बता देता हूं, गुजरात के व्यापारी से। सीधी सी बात है। राहुल गांधी जी, जिस देश ने आपको और आपके परिवार को इतना कुछ दिया उस देश में आपकी विभाजन नीति को देखकर लोग हैरान होंगे कि कैसे कांग्रेस ने इतने सालों तक देश पर राज किया। हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को भंग करने वाले आपके ये बयान लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो कांग्रेस को वोट क्यों करें।